नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। मोदी सरकार का पीएम किसान योजना में महिलाओं को लेकर क्या प्लान है? क्या पीएम किसान सम्मान योजना गांव में महिलाओं की लाडली योजना बन जाएगी? इन दिनों इस तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान योजना में महिलाओं को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। इस तरह के जो संकेत मिले थे, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि मोदी सरकार अब महिलाओं को जो पीएम किसान सम्मान योजना में जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनको संभवतः दुगनी सम्मान राशि दे सकती है, जिसके तहत महिला किसानों को 12,000 रुपए सालाना मिल सकते हैं। इसको जो संभावनाएं हैं, अब वो संभावनाएं हकीकत में या संभवतः जिस तरह की जो तैयारियां चल रही है वो उन पर मोहर लगाती है। जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है और मोदी सरकार जो एक दृष्टिकोण पैदा करती है, वो संभवतः उसके बाद यही कहा जा सकता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना अब देश के ग्रामीण भारत में, यानी कि ग्रामीण महिलाओं के बीच लाडली योजना के तौर पर स्थापित हो सकती है। मैं बताऊंगा विस्तार से इसके बारे में आपको कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना को किस तरीके से ग्रामीण महिलाओं के लिए को मजबूत करने की एक योजना के तौर पर रेखांकित करते हुए दिख रही है। असल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में आप सब जानते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त आनी है। इससे पहले जो 15वीं किस्त आई थी वो 15 नवंबर को आई थी। अब लोकसभा चुनाव 2024 की जब तैयारियां शुरू हो गई है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बढ़ोतरी की संभावनाएं या बढ़ोतरी होने की स्थितियां बनते हुए दिख रही है, जिसमें महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इसको लेकर मोदी सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। तो सबसे बड़ा अपडेट वो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने इन 2 महीनों में तकरीबन 10 लाख महिला किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ा है। ये जो हुआ है 15 नवंबर से 15 जनवरी के बीच में। असल में इन दिनों मोदी सरकार एक यात्रा निकाल रही है, जिसमें हम सब जान रहे हैं कि मोदी सरकार किस तरीके से अपनी जो फ्लैगशिप योजना है उनका विस्तार करते हुए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 2 महीनों में, 15 नवंबर से यात्रा शुरू हुई है, 15 जनवरी तक के आंकड़े मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं जो जानकारी मिली है, उसके तहत तकरीबन 40,50,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं, जिसमें अकेले महिलाओं की संख्या जो है वो 10,61,278 है। इसके साथ साथ ही तकरीबन 29,87,884 इसमें किसान है। ये 2 महीनों में किसान पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े हैं, जिसमें समझो तो सीधे तौर पर 25% महिलाएं पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी गई है, जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार जिस तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से महिलाओं को लाभ देने की जो कोशिश कर रही है उसको इंगित करती है। अब बात आती है कि किस राज्य में कितनी महिलाएं जुड़ी हैं। मैं अगर बात करूं तो अकेले सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से 1,59,000, तकरीबन 1,70,000 महिलाएं इन 2 महीनों में पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी गई हैं। उसके बाद राजस्थान से तकरीबन 1,56,000 महिलाएं जुड़ी गई हैं। तीसरे नंबर पर मणिपुर है, जहां से 1,06,000 महिलाएं जुड़ी गई हैं। पांचवें नंबर पर झारखंड है, जहां से तकरीबन 51,00,000 महिलाएं जुड़ी गई हैं। केरला से 66,000 महिलाएं, तकरीबन 66,000 महिलाएं जुड़ी गई हैं। गुजरात से तकरीबन 49,000 महिलाएं जुड़ी गई हैं। उड़ीसा से 47,000 महिलाएं जुड़ी गई हैं। बिहार से 47,000 महिलाएं जुड़ी गई हैं। महाराष्ट्र से 44,000 महिलाएं जुड़ी गई हैं, 44,680। और उसके बाद मध्य प्रदेश से भी 44,000 महिलाएं जुड़ी गई हैं। ये 2 महीने में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो नए लाभार्थियों को जोड़ने का
एक कैंपेन शुरू किया गया था विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत, उसमें ये महिलाओं की संख्या है। अब इस पैटर्न को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये पैटर्न क्या कहता है, इस पैटर्न को हम समझने की कोशिश करें तो अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमने मध्य प्रदेश चुनाव में हमने देखा था, मध्य प्रदेश चुनाव में माना जा रहा था कि शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान सरकार जब मध्य प्रदेश में रूल कर रही है तो कहीं ना कहीं जो सरकार के खिलाफ माहौल बना है उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। लेकिन उस चुनाव में लाडली बहना योजना ने एक अंडरकरंट पैदा किया और लाडली बहन योजना का अंडरकरंट से जो फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। अब ये कहीं ना कहीं इस बात के संकेत कहें या इस बात को मोदी सरकार लाडली बहना के मॉडल को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की छाता के नीचे देशभर में फैलाने जा रही है, जिसमें खास करके ग्रामीण महिलाओं को लाभ देने के लिए एक कोशिश की जा रही है। सबसे पहले महिलाओं को पीएम किसान सम्मान निधि से सीधे तौर पर जोड़ा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की एक योजनाएं बन रही है कि महिला किसानों को जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है उसके तहत 12,000 रुपए सालाना देंगे। ये एक कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 में महिला वोटरों के बीच अपनी मौजूदगी को मजबूत करने का एक ये इरादा नजर आता है। तो दूसरी तरफ लंबे समय से महिला किसानों के लिए भी अभी तक कोई भी इस तरीके की अलग से योजना नहीं थी, तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार महिला किसानों की ग्रामीण स्तर पर मजबूती करते हुए दिख रही है। खासकर अगर हम लोग बात करें देश में महिलाओं के रेशियो की बात हम करें तो तकरीबन जो डाटा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का वो ये कहता है कि तकरीबन 1,80,00,000 महिलाएं पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई हैं। तो संभवतः समझा जा सकता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी जो महिलाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, जबकि 8.5 करोड़ तकरीबन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना 15वीं किस्त का लाभ मिला था। अगर हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही, खास तौर पर यह माना जा रहा है कि जो डाटा सामने निकल कर आया है इस योजना का लाभ सबसे अधिक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट पर हो सकता है, क्योंकि वहां पर पे महिला किसानों का अनुपात बहुत अधिक है। तकरीबन 68% महिला किसान हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मणिपुर में तकरीबन 54% महिलाएं हैं, उसी तरीके से नागालैंड में 50% महिलाएं हैं, सॉरी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में 50% महिलाएं हैं, और ये डाटा निकल कर सामने आता है। आसाम को अगर छोड़ दें तो आसाम में 20% महिलाएं हैं, तो वहीं त्रिपुरा में 20% महिलाएं हैं। ये पूरा एक औसत है जो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आता है। तो ये समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व काल में बीजेपी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए मणिपुर नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के बीच अपना जिसे बोलते हैं कि होल्ड मजबूत करने की तरफ बढ़ रही है भाजपा। इसका कहीं ना कहीं फायदा लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को मिलेगा। ये हम लोग बात करते हैं कि ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है ये 15 नवंबर से शुरू हुई थी, और इस 15 नवंबर से जो यात्रा शुरू हुई है इसके तहत किसानों को इस योजना में जोड़े जाने की लगातार कोशिश की जा रही है। नए जो लाभार्थी हैं, जितनी भी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, योजना के जो लाभार्थी लोग हैं उनको योजना से जोड़ा जा रहा है। ये हमारी एक कोशिश थी। अगर आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, हमें शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए आप सब से, फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।